ये देखें मेरे हिस्से के पैसे, ये देखें 20 पाउंड का एक नोट, ये देखें 20 पाउंड का दूसरा नोट, ये देखें 20 पाउंड का तीसरा नोट, ये देखें 20 पाउंड का चौथा नोट, ये देखें 20 पाउंड का पांचवा नोट। मेरे हिस्से के 100 पाउंड इस दरख्त पे लगे हुए हैं। यूके में ऐसे दरख्त जिन दरख्तों के ऊपर पैसे उगते हैं और लिटरली पैसे उगते हैं, ये बेनिफिट सिर्फ उन लोगों को है जो उस सराउंडिंग एरियाज में रहते हैं, वो रजिस्टर्ड हैं जो उस एरिया में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अगर नहीं भी ठीक होते तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आपको पता है हमारे होते हुए कोई मसले वाली बात हो ही नहीं सकती। आज की वीडियो बड़ी ही एक्साइटेड होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ यूके में ऐसे दरख्त जिन दरख्तों के ऊपर पैसे उगते हैं और लिटरली पैसे उगते हैं। आप इस चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे। तो आप वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और लाइक कमेंट शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। फिलहाल मैं इस वक्त बड़ा एंथूजिस्ट हुआ हूँ इस चीज़ के बारे में जानने के लिए कि भाईजान वो कौन से ऐसे दरख्त हैं जिनके ऊपर पैसे उगते हैं यूके में। बिकॉज आई हर्ड ऑफ फ्यू पीपल कि यहाँ पे कुछ ऐसे दरख्त मौजूद हैं, और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है हर टाउन सेंटर, जो कि यूके के में आप किसी भी शहर में रहते हो उस शहर का कोई ना कोई टाउन सेंटर होता है, तो हर टाउन सेंटर के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा दरख्त मौजूद है जो दरख्त जो है ना जिसके ऊपर पैसे लगे होते हैं और वो पैसे आप सुकून से जाके उतार सकते हैं। और देर आर सम लिमिटेड एडिशन, लाइक लिमिटेड कुछ तरीका का आ रहा है उसका कि आप मैक्सिमम पैसे नहीं उतार सकते, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है जो वहाँ से आप उतार सकते हैं, वहाँ से आप उतार के लेके जा सकते हैं और आप उसको अपना इस्तेमाल कर सकते हैं और डेली यूजेज के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस पार्क में जाने से पहले, दरख्त को दिखाने से पहले, मैं आपको सरप्राइज़ करने से पहले कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ, ताकि वो बातें हम जल्दी जल्दी कर लें, कंक्लूड करके फिर जल्दी जल्दी हम उस दरख्त की तरफ जाएँ, ताकि पता तो चले आपको बेसिकली कि मैं दरख्त देखने क्यों आया हूँ, ऐसी क्या वजह बनी कि मैं दरख्त देखने आया हूँ। जाहिर सी बात है मैं भी एक स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, बैचलर्स हूँ मैं यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है मुझे भी मेहनत करना पड़ती है, मेहनत करके कमाते हैं खाते हैं फिर ही गुजारा होता है, अदरवाइज गुजारा नहीं होता। तो अपना गुजारा करने के लिए अगर गवर्नमेंट की तरफ से या नेचर की तरफ से आपको कोई ना कोई बेनिफिट दिया हुआ है तो आपको उस बेनिफिट का बिल्कुल फ़ायदा उठा लेना चाहिए। तो उस बेनिफिट का फ़ायदा उठाने के लिए आज मैं भी पहुँच गया हूँ भाईजान। मैंने कहा जी अंत डाल देंगे आज, हम भी जो है ना पैसे इकट्ठे कर करके सबको पागल कर देंगे। ये जो इंडियन, बंगाली, नेपाली, पाकिस्तानी आपको यूके में आने से रोकते हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके बड़े जो रोकते हैं ना कि भाईजान यूके में नहीं आना, यूके के हालात बड़े ख़राब हैं, यूके में पैसा नहीं है, यूके में ये, यूके में वो, तो ऐसे लोगों से ना आपने बिल्कुल बचना है। आप इनसे एक सिंपल सा सवाल करें कि अगर वहाँ के इतने हालात ख़राब हैं, इतना गुजारा ही नहीं वहाँ पर हो रहा, वहाँ पर हेल्थ के इशू है, वहाँ पर पैसों का इशू है, वहाँ पर जॉब का इशू है, फलां इशू है, फलां इशू, तो आप लोग वापस क्यों नहीं आ जाते? तो आप लोग भी वहाँ पर काम करते हो ना, तो जब वो लोग वहां पे काम करते हैं तो आप लोग भी वहां पे काम कर सकते हो। दूसरी बात ये कि वो लोग कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप लोग यहां आए, लेकिन आपने यहां जरूर आना है। जिस में से आपका दिल करता है, आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं, आपने यहां पे जरूर आना है। यहां पे आपको कमाने के मौके भी मिलेंगे, यहां पे आपको जॉब्स भी मिलेंगी, और यहां पे आपको वाकई ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि आप एक्सप्लोर करके वहां से पैसे ले सकते हो, जैसा कि एक चीज आज एक्सप्लोर करने हम आए हुए हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि ये बेनिफिट सिर्फ उन लोगों को है जो उस सराउंडिंग एरियाज में रहते हैं, वो रजिस्टर्ड हैं जो उस एरिया में, सिर्फ वो लोग ही उतार सकते हैं। अदरवाइज ये नहीं है कि आप किसी और शहर से उठ के आओ और इस शहर में, इस शहर के टाउन सेंटर में आके उस पार्क में जाओ और वहाँ के दरख्त से पैसे उतार लो, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि यहाँ पे जब आप पार्क में आते हो तो आपको यू हैव टू गिव अ सर्टेन एंट्री, आपको अपना एड्रेस बताना होता है, आपको अपना बीआरपी दिखाना होता है, तो उसके बाद आप पार्क के अंदर एंटर होते हैं और फिर आप जाके अपनी लिमिटेड अमाउंट जितनी आपको गेट के ऊपर अलॉट होती है वो आप वहाँ से ले सकते हैं, उतार सकते हैं, और उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं। तो हमारे पाकिस्तान और इंडिया से ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो मेहनत करने के लिए आते हैं, वो पैसा लगा के यहाँ पे, चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, जैसे भी आते हैं, वो पैसा लगा के आते हैं कि यार अपनी लाइफ को बेहतर करें, जाके अपने आप को आगे ग्रो करवाएं, हम दुनिया में जाके दुनिया को एक्सप्लोर करें और वहाँ पर जाके पैसा कमाएँ और अपने घर के हालात बेहतर करें, अपनी ज़िंदगी बेहतर करें। तो जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, उसके बाद अपने PSWs लेते हैं, वर्क परमिट्स ले लेते हैं, यहाँ पर सेटल होने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग वापस चले जाते हैं, पैसा कमाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो जो लोग अभी यहाँ पे आना चाहते हैं, मोर देन वेलकम, यू गाइस कैन कम। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको पीछे जॉब वाली वीडियोस में भी बताई थी, बाकी चीज़ों में भी बताई थी, अगर आपने आना तो फिर दिल गुर्दा आपको बढ़ा करके आना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आके मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। जैसे आपका भाई अभी मेहनत करके बिस्तर से उठ के अभी आया कि यार मैं चलता हूँ
जो 20-30-40-50 pounds हमें मिलने वाले हैं वो जाके ले आता हूँ ना, जाहिर सी बात है उससे हमारे 3-4 दिन गुजर सकते हैं, तो उन 3-4 दिन का गुजारे के लिए हमें यहाँ से पैसे मिल जाएंगे, तो हमें जिंदगी में और क्या चाहिए। मुझे पता है इस बात का कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात को अभी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझ रहे होंगे, लेकिन ये किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी नहीं है, क्योंकि अगर ये कॉन्स्पिरेसी होती तो टू बी ऑनेस्ट मैंने घर में ही बैठ के बकवास कर लेनी थी, आपको यहाँ पे लेकर नहीं आना था। जब मैं इस पार्क में एंटर हुआ था, वो अपोजिट साइड से एंटर हुआ था मैं, तो उन्होंने मुझे बता दिया था अपने फलां साइड पे जाके अपने हिस्से के पैसे उतार लेने हैं। तो अभी फिलहाल हम उस दरख्त के पास भी आ गए हैं जिस दरख्त के ऊपर पैसे लगे हुए हैं। अब किस साइड पे मेरे हिस्से के पैसे लगे हैं ये मैं आपको अभी जाके बताता हूँ, लेकिन जब आपने इस दरख्त के पास आना है सबसे पहले तो आपने एंटर होते ही दुआ करना शुरू कर देनी है कि या अल्लाह मैक्सिमम मेरे हिस्से के पैसे यहाँ पे लगे हों, जो मैं यहाँ से उतार के लेके जाऊँ, अपने दोस्तों और घर वालों को भेज दूँ, अपने खर्चे के लिए रख लूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आना है दरख्त के पास, सबसे पहले आकर आपने दुआ मांगनी है, और दुआ मांगने के बाद दुआ कुछ भी मांग सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। दूसरा, आपने जो आपके गुम हुए पैसे हैं ना, आपने वो पढ़ना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपको यहाँ से वो पैसे मिल जाने, और दुआ में आपने यकीनन ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि या अल्लाह तू मेरे हिस्से के हर हफ्ते हर दिन यहाँ पे पैसे लगा जो कि मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजता रहूँ। तो इस दरख्त में मेरे हिस्से के पैसे जहाँ पे लगे हैं हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले दुआ कर लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहि रहमानिर रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ दरख्त साहब, मेरे हिस्से के जो पैसे हैं प्लीज़ 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 मुझे अभी दे दो, क्योंकि मैंने अभी अपने कुछ दोस्तों को भेजने हैं, प्लीज़ मुझे मेरे हिस्से के पैसे यहाँ से दे दो। तो ये दरख्त है, और यकीनन आपको मेरी बात का यकीन नहीं आएगा, आई स्वेयर टू गॉड, मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाऊँ, आप अभी मेरी बातों पे हंस रहे होगे, लेकिन आपको मेरी बात का यकीन नहीं आएगा। तो ये वो वक्त आ गया है जब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे हिस्से के पैसे दरख्त में लगे हुए हैं, और कसम से मुझे इस टाइम नज़र आ रहे हैं, और वो पैसे ये हैं। ये देखें मेरे हिस्से के पैसे, ये देखें 20 pounds का एक नोट, ये देखें 20 pounds का दूसरा नोट, ये देखें 20 pounds का तीसरा नोट, ये देखें 20 pounds का चौथा नोट, ये देखें 20 pounds का पांचवा नोट। मेरे हिस्से के 100 pounds इस दरख्त पे लगे हुए हैं, और ये मैंने अपने हिस्से के 100 pounds इस दरख्त से उतार लिए हैं। आप लोग मेरी बात का बिल्कुल यकीन नहीं करते, आप यार बड़े बेवकूफ़ हैं। 100 pounds मिले हैं ना मुझे, इसी तरह आपने अपने करीबी किसी भी टाउन सेंटर में आपने जाना है, और आपका जो टाउन सेंटर है, जो भी आपका एरिया है, उसके करीबी जो भी आपको पब्लिक पार्क नज़र आए, उस पार्क में आपने परमिशन लेके एंटर होना, और परमिशन लेके एंटर होने के बाद आपने उस पार्क में जो सबसे बड़ा दरख्त लगा होगा उस दरख्त से जाके अपने हिस्से के पैसे उतार लेने हैं। हमारे जितने भी बहन भाई यूके, यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया पैसा लगा के आते हैं, तो उनका पैसा लगा के आने का मकसद यहाँ पे पैसा कमाना होता है, तो पैसा यहाँ पे वो यकीनन कमाते हैं, लेकिन उनका पैसा किस तरह कमाया जाता है, कितनी मेहनत करके वो लोग पैसा कमाते हैं, इस चीज़ की रियलाइजेशन किसी को नहीं होती। बल्कि हमारे पीछे जितने लोग बैठे होते हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे हमारे घर वाले हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई जान इन्हू पैसे ला के असी घाल देता है, तो पैसे लगा के भेजने के बाद अब इसका मतलब ये है कि ये वहाँ पर पहुँचते ही जाके पैसों की एक मशीन पड़ी होगी, या पैसों का कोई दरख्त लगा होगा, वहाँ से जाके ये पैसे उतारेगा और हमें पैसे भेजना शुरू कर देगा। मेरी इस बात से रिलेट जितने भी फॉरेन कंट्रीज में रहने वाले हमारे छोटे मुल्कों से उठ के आए हुए लोग मेहनत करते हैं, उन्हें इस बात का पता होगा। आपने रिसेंटली क्या एक वीडियो भी वायरल है कि चोरी साहब किन्ने पैसे ताड़े को बाची रहे, कहना फलामी घर का दिता, इतने भी घर भेज दिए, इतने भी घर भेज दिए, इतने भी घर, कहता एंड पे आपके पास क्या बचा, कहना मेरे नाम के नाल सिर्फ चौधरी बचे हैं। तो भाई जान यहाँ पे यही होता है, आप जो पैसा कमाते हैं वो घर बाहर इधर उधर भेज के आपके नाम के साथ जो चौधरी, राणा, सेठ, सैयद जो भी लिखा हुआ है ना, सिर्फ वो बचता है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता। तो जो लोग यहाँ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग बाहर गए हैं, तो बाहर जाने वाले वहाँ से जाके इन दरख्तों के ऊपर से पैसे उठाते हैं, या इन कोई ऐसे दरख्त वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर पैसे वाकईतन लगे होते हैं, ऐसे कैश में लगे होते हैं, कैश इन हैंड हमें वहाँ से पैसे मिल जाते हैं, तो खुदा दा खौफ करो, ताड़ी मेहरबानी, ताड़ी मेहरबानी, ऐसा वैसा यहाँ पे कोई सीन नहीं है। यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, सुबह 6-6 बजे, 5-5 बजे, 4-4 बजे आपको उठना पड़ता है, रात 1-1, 2-2, 12-12 बजे आपको काम करके वापस आना पड़ता है, फिर दोबारा इसी रूटीन में आपको चलना पड़ता है। 4-4 घंटे का रोज लोग रोजाना की बुनियाद पर ट्रैवल करते हैं, काम पर जाते हैं, 4 घंटे फिर वापस आते हैं, तो यहाँ पर इतनी इस हद तक मेहनत करनी पड़ती है और फिर पैसा कमाते हैं, और आप लोग सोचते हैं कि शायद ये लोग पैसा बड़ी आसानी से कमा लेते हैं, और बड़ा ही पैसा कमा रहे हैं, बड़ा ही पैसा कमा रहे हैं, बड़ा ही पैसा कमा रहे हैं।
ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਲਕਾ ਇਲਿਜ਼ਬਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਹਮ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਤੇ, ਅਜੀਬ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਆਪ ਲੋਕ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਤਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਦੋਸਤ ਭੈਣ ਭਾਈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਸਟ ਟੂ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਵੋ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਕਿ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਸੇ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਪੜੇ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਕਸਦ ਬਣਾਉਣ ਕਾ ਜੋ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਕੈਨ ਕੋ ਰਿਲੇਟ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ ਕਿ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਰਹਿਤੇ ਔਰ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਕਿਆ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਕੋ ਰਿਲੇਟ ਵੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਮੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਮੇ ਰਹਿਤੇ, ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿਨ ਭਾਈ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਚਚਾ ਅਬੂ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਭੇਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨਕੋ ਪੈਸੇ ਭੇਜਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕੇ ਪੈਸੋ ਸੇ ਆਗੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੀ ਕੋ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੇ ਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਏਕ ਮਕਸਦ ਥਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਮ ਲੋਕ ਮਾਂਗੋ ਨਾ ਮਾਂਗੋ ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਯੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਹਮ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਸਮ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਯੇ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਕਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਗਲ ਥਾ, ਜਸਟ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਕਿ ਯਾਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੜਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਮੇ ਸੇ ਜਿਤਨੇ ਨਏ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੋ ਕਤਨ ਯੇ ਸੋਚ ਕਰ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੈਸੇ ਆ ਕੇ ਦਰਖਤੋਂ ਪਰ ਲਗੇ ਹੋਗੇ ਤੋ ਹਮ ਉਤਾਰ ਲੇਂਗੇ, ਹਮ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ, ਯੇ ਕਰ ਲੇਂਗੇ, ਵੋ ਕਰ ਲੇਂਗੇ, ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਯੇ ਘਰ ਵਾਲੋ ਯਾ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨਕੋ ਪੈਸੇ ਭੇਜਨੇ ਹੋਤੇ, ਯੇ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਬੈ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਆ ਕੇ ਆਪਕੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪੜਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਕੇ ਸਿਲੇ ਮੇ ਆਪਕੋ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਪੈਸਾ ਕਮਾਤੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਵੇ ਟੂ ਅਰਨ ਮਨੀ। ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਲਿਟਰਲੀ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਆਪਕੋ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਕੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ, ਤੋ ਵੀਡੀਓ ਅਗਲੀ ਕਿਸੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਤਰਫ ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੇ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲੇ, ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆਪਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਮਿਲੇਂਗੇ ਅਗਲੀ ਕਿਸੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪ ਸਭ ਕਾ ਆਮੀਨ ਅਸਰ ਹੋ, ਬਾਬਾ।